अब उन लोगों से मैं आपको बता रहा हूं जिन लोगों को इस्लाम की तड़प है सबसे पहले तो आपको वो जवाब बताता हूं सवाल नहीं वो जवाब बताता हूं जब आप मौलवी साहब से कहेंगे ना कि मौलवी साहब ये फलस्तीनी बच्चे मर रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है इसमें आप समझ रहे हैं हम बरी है तो वो कहेंगे जी हाँ मसूला हमसे उसका सवाल नहीं होना इनसे होने आर्मी वालों से तो नवाज शरीफों से तो पीटीआई से तो जरदारी से इनसे ये फर्स्ट आंसर आना।, आना है दूसरा आंसर क्या आना है तुम्हारा तो तुम ये सही बात तुम करके देखो ना तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा मैंने कुछ उलमा से बात की है इसलिए बता रहा हूं लिटरली कराची में अभी की उल्मा। मैंने कहा सर कोई फतवा नहीं आना आपकी तरफ से, से भाई फतवा है ना हमारे पास कि हम हकूमत वक्त के ऑर्डर के ताबे रहने के मुकलद हैं हमें इस्लाम ने हुआ दिया तो ये काफी है आपके लिए सो जानने के लिए आपका इस्लाम शटर नहीं हो रहा जब फलस्तीनी आपकी तरफ देख रहा है आपको पता नहीं है कि जब आपको पता ये ये मामला इस लेवल तक चला जाए तो सिर्फ एक चीज है जो फलस्तीन को बचा सकती है और वो इस्लाम है और कोई ऐसी ना सियासी ना फलसफी ना मुशी ना माशरती कवत है जो कि फलस्तीनी छोड़े अगर ये काफर भी मर रहे होते तब भी हमें उस रोना चाहिए था और बचाना चाहिए था ये तो मुसलमान मर रहे वो भी बच्चे मर रहे ये इनके दो जवाब हैं जो आपका कहने इनको मैं बताता हूं इनको खुदा की कसम ये सुन्नत जमात की बताओ इनका सॉफ्टवेयर यजीद ने अपडेट किया हुआ है यजीद के बाद से ये लोग ऐसे बातें करते हैं ये यजीद के डंडों से डरे हुए हैं ये बारह सौ साल से अपडेटेड उलमा है हमारे अपडेटेड इनका इस्लाम दो नंबर इस्लाम नंगा हो हर मुसलमान के सामने आ गए कि तुम ऐसे मौके पर चार के नीचे छुप ग और हमें ट्रेन कर रहे हो के ऐसे मौके पे कुछ नहीं करते होते और किस मौके के लिए मुसलमान हुए थे हम इसके पीछे मसला क्या है वो मैं आपको बिकॉज बता देता हूं इनको यदि ने सॉफ्टवेयर अपडेट किए तो गारंटी मैं दे रहा हूं आप हिस्ट्री पढ़ लें आपको पता चल जाएगा इनके सॉफ्टवेयर अपडेटिंग बारह साल से और हर हुकुमरान आके सबसे पहले ये पेश करते हैं सर ये मेरा मदरबोर्ड निकाल लें प्लीज टली मदर बोर्ड ये मदर बोर्ड है अभी इसमें से बहुत चिप्स निकलनी है तो पहले से इसको अपडेट कर दें ये यजीद की ट्रेनिंग है इनके ऊपर ये तब से ना ये उस मरवान के दौर से ये सब फतवा जारी करने वाली मशीन जब आप एक डॉक्टर कहते हैं ना अपने आप को डॉक्टर आपको याद होगा चार साल से मुझे लेरसाइल मिया आपको जब इस्लाम की बात करनी हो ना तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर बीमार हो तो मेडिकल डॉक्टर इस्लामक काम हो तो मुफ्ती मतलब है कि आपको पता है मुफ्ती क्या होता है मुफ्ती का मतलब होता है वो वाली पावर कि आपको लिटरली वो आखरत के ऊपर सेंट्रलाइज कर देता है कि आखिरत में मसला होगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी हराम है ये ये कर लो खा लो ये जो काम है कर लो ये हलाल है ये इतनी बड़ी पावर आपके पास आम डॉक्टर के पास तो दुनिया की पावर है पचास हजार सत्तर साल चलाएगा आपके पास सात सात आठ आठ खरब खरब साल की पावर है आपकी बात ना मानी तो दो में खरमों साथ चलूंगा जी इतनी बड़ी पावा इसको क्या कहते हैं मुफ्ती लिस्ट लगाए मुफ्तियां की अपने सामने और उनसे कहें भैया आप झूठे मुंह नसीहत ही कर देते कहते फतवा तो नहीं दे रहा मैं हालांकि मुफ्ती हैं आप फतवा तो नहीं दे रहा मशवरा दे रहा हूं नहीं उल्टे मुंह क्या करने शुरू हो गए इसराइल की बड़ाइयां बयान करना शुरू हो गए नोटिस करें पैटर्न तमाम मुसलमान मुफ्तियां इसराइल की बड़ाइयां बयान कर रहे हैं इस वक्त ये है वो वजह जिसकी पिछले पचास साल से मौदूदी साहब और सैयद कुतुब और भी बड़े लोग हैं और भी बड़े लोग हैं जो यमन से सूडान से सुमालिया से इवन मलेशिया से सऊदी अरब से पिछले तीन साल से मैं रो रहा हूं आपके सामने कि भैया बात सुने ये मैं उलमा की बात कर रहा हूं कि ये आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने कोई इजाद की है कि इस्लाम के एक निज़ाम और सिस्टम बनाना जरूरी है ये क्या आप क्या समझ रहे हैं और ये क्या आपके आपके सामने है सारा कुछ इनके इनके इनको चरबा जबानी से इनके जो कि ये हमें इस्लाम सिखाएगा डॉक्टर के पास जाते होते हैं हमें इस्लाम पता है तुम किस मदरसे से फारिग हुए हो मुझे ये पता है कि आपके इन मदरसों से फारग हो गए हुए हैं आप बिल्कुल फारग हो चुके हुए इंसान नहीं रहे आप लोग आप मदरसों से फारग हो गए में ये फलस्ती बोल रही है कि तुम्हें मदरसों ने फारक कर दिया हुआ एंड मौके के ऊपर जान बचा के भाग गए अपनी और जस्टिफाई कर रहे हो वरना के ऊपर पहुंच गए थे के पूरे ये पार्लियामेंट हाउस में के की करोगे तो कतल कर दो दस साल के लिए अंदर कर दो वो मुसलमान फलस्तीनी की तोहहीन हो रही है जान मार खत्म कर दी बच्चे की उसके ऊपर नहीं पहुंचे तुम शिया काफर करने के लिए पहुंच जाते हो मिर्जा मोहम्मद अली को एफ आई कटवाने के, के लिए पहुंच जाने हैं साहिल में एक फितना के ऊपर पहुंच जाना है फलस्तीनी के लिए नहीं नहीं ये तो हमारा काम नहीं हम दुआएं करेंगे इधर आम मुसलमान आप लानत गुड़ सहारा आपके ऊपर कि आपने ये मुफ्ती का लफ लग लगाया था फतवे बचाने का काम तो नहीं मुफ्ती होता फतवे देने का काम मुफ्ती होता मगर ये पता क्यों क्यों नहीं दे सकते फतवे मैं आपको बताता हूं पिछले आठ दस दिन से रोज डायलॉग कर रहा हूं उनके साथ जिनके मैं कर सकता था जिनके दिल नरम थे कि सर आपको अल्लाह ने मुफ्ती बनाया है मुफ्ती तकी उस्मानी ने नहीं मुफ्ती मुफ्ती बनाया आपको आपको इलियास साहब ने नहीं मुफ्ती अल्लाह ने बनाया था मुफ्ती अब वक्त आया फतवा इशू करें ना आप। आपके इंतजार में मेरे दस हजार बंदे मेरी बात सुनते आपके करोड़ों दस बीस करोड़ बंदे आपकी बात सुनते यही मौका है को मोबिलाइज करें गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इसमें आर यार चाह रही है नवाज शरीफ जैसा बंदा इसको इस्लाम का आलिफ नहीं समझ आया उसने एटम बम चाकी में फाड़ दिए थे अमेरिका के कहने के खिलाफ क्यों कुर्सी चाहिए थी उसको क्लिंटन मना करता रह गया क्लिंटन जिसके कहने पे नवाज शरीफ ने कारगिल में हजारों फौजी मरवा दिए थे हमारे मना करता रह गया क्लिंटन धमकी भी दे दी मगर नहीं इसको पता था अवाम कुर्सी बचा देगी मेरी यहाँ पे अवाम की पावर से अभी भी बता रहा हूँ सारी पावर असल में मस्जिद से आनी थी नहीं सबसे वीक कौन निकला ऐसे मौके पे ये फतवेबाज आदमी हमसे तो सवाल ही नहीं होना मैं बताता हूं आपसे फलस्तनी का सवाल नहीं होना ये तो आपका भलेखा मैं भी अब ठीक करता हूं आपसे ये सवाल होना था कि रैयत अपने हाथ में क्यों नहीं पकड़ी थी इस्लाम के अंडर क्यों नहीं आई थी रैयत पाकिस्तान की यह पहला फतवा आना था के इस मौके और किस मौके के लिए बचा के रखे हुए थे आपके अपने पेडिस्टल्स आपको डर था पाकिस्तानी मर जाएंगे इससे आपको डर था सिविल वॉर हो जाएगी मतलब कितने फलस्तीनी मरने के बाद एक पाकिस्तानी बचाया आपने आई जस्ट नीड टू नो दैट इक्वेशन ये मैथ्स करके दिखाएं हमारे यूथ को बच्चे को कि इतने फलस्तीनी मरते हैं तब हम एक पाकिस्तानी बचाते हैं ये है आपके हमत के तकाजे दिस इज द बेटर ट्रूथ ये आपकी हाँ नंगी हकीकत ये सीलियर होता था मधूदी के निजाम लेके आओ इस वक्त एक सेंट्रल सिस्टम होता मुसलमानों का सोचे जरा एक सेकंड के लिए ऐसी कुछ सोच सोते हैं कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है कि मुसलमानों का एक सेंट्रल गवर्नर सिस्टम हो तो इसराइल की अमेरिका की या रूस की कोई पूरी की औकात होती सबको इकट्ठा होना पड़ना था कि ये लोग इकट्ठे हुए हुए एट्रिशन की गेम होती है इधर जमीन पे उतरना पड़ता है इस, इस नंबर गेम हिसाब इकट्ठे हो गए में। अब उन्होंने क्या किया सेंट्रल सिस्टम तोड़े हैं और मुसलमान मुसलमान को यमन में कब से फ्राई कर रहे हैं अब योदी यूदी मारना शुरू हो गया है आम मुसलमान को भी पता चल गया है आम गैर मुसलमान को भी हर बंदा इस्लाम में सिर्फ एक बात कर रहा है। तुम लोग आपस में नहीं डिसाइड कर सके हो हमें हमें हमारी तरफ क्यों देखते हो लगते हुए बेकसो हमें देख रहे हो ऐसा बेचारा दीन है तुम्हारा ब्राजील से रूस तक वो ना वो फगा उठ रही है कि ये तुम्हारा दीन था और हमें कह रहे थे कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ और ये बहाने कर रहे मुसलमान के आगे ये इनका मुफ्ती कि हमसे तो सवाल नहीं होना हमसे तो सवाल नहीं होना इसका और तुमसे ये सवाल होना था कि गवर्नमेंट में नवाज शरीफ क्यों बैठा हुआ है सबसे पहला ये सवाल होना था उसके इतवाह करने के फतवे पूरी पूरी तरह के पर सेकेंड टू हंड्रेड फतवा पर सेकेंड की स्पीड से इशू करते हो कि नवाज शरीफ की तबाह क्यों करनी हो जरूरी है या जदारी की या इमरान खान की दिस इज द प्रॉब्लम यह है उन लोगों का जिनके पास उम्मीद थी जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर किताबें खोलते थे वो बच्चे उनसे उम्मीद थी उनको आपने डोसाइल करके खशीस कर दिया उनको जस्टिफाई कर दिया कि नहीं नहीं ये तो इस्लाम का वो ताल्लुक ही नहीं इस बात से रो बैठ के रो शब रो इस्लाम का काम है बैन करना मुसलमान का काम है जानवाजें गिली करो जाके अपने आंसुओं से बस ये ये इस्लाम है अमेजिंग सबको पता चल गया अल्लाह ताला ने यही काम है फलस्तीन के एक बच्चे ने सारे के सारे सारेमा की औकात दिखा दी कि ये है तुम्हारा इस्लाम तुम तो आपस में मिल के भी एक फतवा जनरेट नहीं कर सके एक भी झूठे मुंह भी नहीं कह सके कि जिनके बॉर्डर लगते हैं वो भी वो मिसर जैसा वही मसला था फलस्तीनी मारने का पहला मुसलमान मुल्क अभी छह दिन से फलस्तीनी मार रहा है मिसर के वह टनल में से कोई बंदा आएगा बम कर दो एक्चुअली किलिंग फलस्तिनियंस ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल उधर भी कौन बैठे हुए जयमदुल्लाजहर वाले नहीं फतवा नहीं देना उन्हें तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को बेनकाब किया है आपकी जो डिसेंट्रलाइज्ड फिलासफी थी ना यजीदी फिलासफी के इनको हुक्मरान के ताबे करना जो है ना वो इस्लाम कर दो इनका इस्लाम है हुक्मरान के ताबे रहना चाहे जो भी हुक्मरान हो कलमा तो पड़ता है शाहबाश देख लो हमारे झूठे कलमों का अंजाम इस वक्त जहाँ नजर आ रहा हमें यू आर द कलपोरेट्स नवाज शरीफ इज नॉट दल्परेट इमरान खान एंडारी आर नॉट द कल्क्रेट यू आर द एक्चुअल बिकॉज यू गेव दिस झूठ आपने कुरान के नाम पर बोल दिया हमारे आके अब हमारा एक ही किताब थी जिसने हमें फलस्तीनी बचाने थे वो किताब आपने नलफाई की हमारे बच्चों के सामने और तड़िया लगा रही मुझे लिटली ये ये हमें इस्लाम सिखाएगा मैं नहीं सिखाऊंगा फलस्तनी सिखाएंगे सिखा गए आपको इस्लाम इस्लाम नहीं सिखा गया, गया आपको आपको ये सिखा गए हैं कि आपके पास इस्लाम नहीं है ये सिखा गए हैं फलस्तनी हमें फलस्तान की ना चार साल की बच्ची वो बच्ची सिखा गई है तुम्हारा काजी उल कुजा तुम्हारा जो ऑनर है तुम्हारा जो देवबंदी बरेलवीजम और शियाम और अल अदीस वो छह साल की बच्ची बता गई है कि आपके इस्लाम आपके वर्जन ऑफ इस्लाम की औकात क्या है असली मुसलमान जब चाहिए था ना वहां पे आपकी बोलती बंद हो गई थी अब आप पीपल नो पीपल नो एंड पीपल रिना नो 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 अल्लाह ने मरते हुए फलस्तीनी बच्चों के थ्रू गैर मुस्लिमों को भी अवेयरनेस दे दी कि भाई आम ऐसे नहीं होगा